जिस अंदाज में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत ब्रज की धरती सुलह कुल की नगरी आगरा में किया गया, उसी अंदाज में विदाई की गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला गुजरा। अतिथि देव भव की परंपरा भी निभाई गई। नमस्ते ट्रंप, अलविदा ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी, बेटी, दामाद का आगरा के लोगों ने गमजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं उसी गमजोशी के साथ विदाई भी की गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी, बेटी, दामाद ताजमहल को देखने के लिए पहुंचे। एक खूबसूरत दृश्य आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगी लाइटों का वो नज़ारा है जहाँ से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला ताजमहल पहुंचा और उसके बाद ताजमहल से खेरिया हवाई अड्डे पर पहुंचा। खेरिया हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी, बेटी, दामाद दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। दिल्ली में उनका भी ज़ोरदार तरीके से वहां पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। गर्मजोशी के साथ आगरा के लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी, बेटी, दामाद का स्वागत किया और यादगार पल आगरा के लिए बना, क्योंकि जब पूर्व में विल क्लिंटन आगरा की धरती पर पहुंचे थे तब सन्नाटा सड़कों पर पसरा दिखाई दे रहा था। यही वजह थी कि विल क्लिंटन इस बात को कह के गए थे कि आगरा भूता शहर है। उस छवि को तोड़ने का भरसक प्रयास किया गया। यही वजह थी कि सड़कों के दोनों तरफ स्कूली बच्चे, महिलाएं और भारतीय संस्कृति को परोसते कलाकार मौजूद थे, जो भारतीय संस्कृति की अद्भुत छटा को, अलौकिक अकल्पनीय छवि को दिखाते हुए नजर आए थे। अतिथि देवो भव की परंपरा भारत के अंदर पुरानी परंपरा है और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए भारत के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे शक्तिशाली कपल का स्वागत किया गया, आदर सत्कार किया गया। भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे मजबूत संस्कृति मानी जाती है और उसी परंपरा के अनुसार, उसी संस्कृति के अनुसार, अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गमजोशी के साथ स्वागत किया गया। ये यादगार पल हमेशा के लिए आगरा के लोग अपने साथ सजो कर रखेंगे। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।